जी टिंग टिंग मैंने बादशाह पोद मैंने रहा इस जंगल का असली बादशाह एस टी पी पी तो मैंने रुक जाना एक किंग के आई एन जी टिंग टिंग मैंने बादशाह हेलो हेलो तबस्सुम से बात हो सकती है जी? तबस्सुम बात कर रही हूँ। मैं जन्नत अली खान के ऑफिस से बात कर रही हूँ। जी तुमने ज्वाइन करने के बारे में कुछ नहीं बताया। जी नहीं, मुझे ज्वाइन करना है, वो असल में आने जाने का मसला हो रहा है। जैसे ही उसका इंतज़ाम होता है तो मैं आना शुरू कर दूँगी। देखो हम ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते, मैडम ने शिफ्टिंग शुरू करनी है। नहीं मैं इंतजार नहीं कराऊंगी, बस कुछ दिन और। अच्छा ठीक है, वैसे ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त हम भी कर सकते हैं तुम्हारे लिए। मैं अब्बा से बात कर लूं? ठीक है, तुम बात करके बता देना। अल्लाह हाफिज। जी खुदा हाफिज। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही यादगार और जज्बाती है, और ये दिन मैं आप सबके साथ मना रही हूँ। मेरा अपना शो और आप सब मेरे लिए इतने अहम हैं कि आप इस बात से जान सकते हैं कि मैंने अपने घर का नाम जन्नत जहां रख दी। आप सबके प्यार से बना जन्नत जहां। तो आइए मैं अपनी फैमिली के साथ साथ आप सबको भी अपने घर में लेके जाना चाहती हूँ। आइए टीम, आप सब भी मेरे साथ चलिए। शुक्र है तू कमरे से तो निकली। ये देखिए मम्मी, इस घर में जन्नत जी मुझे लेके जाना चाहती हैं और आप लोग मुझे रोक रहे हैं। और ये है मेरा गार्डन। इस गार्डन के अंदर जितने भी फूल पौधे ग्रास वो मुझे इंपोर्ट करवाना पड़ा है, क्योंकि कुछ फूल मुझे ऐसे पसंद है जो यहाँ मिलते नहीं है। ये किसका घर है? जन्नत का? जो है वो आपको नजर आ रहा है, शानदार। उसको हमने सेंट्रली हीटेड करवाया ताकि बच्चे मुझे इजाजत दे दें स्विम कर सके। तू इस घर की मालकिन नहीं बन सकती बिट्टो, तू नौकरी रहेगी। देख इन्हें देख, ये लड़कियां, ये मुलाजिम कैसे उसके आगे पीछे फिर रहे। तू भी इसी तरह उसके आगे पीछे फिरेगी, तुझे कोई रुतबा नहीं मिलेगा। जन्नत में कोई रुतबा नहीं होता मम्मी, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत नहीं है ये, कुछ होश कर बिट्टो। चले मैं आपको अंदर से घर दिखाती हूँ, आ जाइए। आजम साहब, आज अच्छी लाइट चाहिए थी मुझे, लेकिन जो चाहिए था वो दिख ही नहीं रहा। इतना खूबसूरत घर है मेरे, लेकिन नजर ही नहीं आ रहा। और घर के बाहर आपने क्या किया? कोई सेटिंग नहीं किया आपने घर के बाहर, ये क्या बकवास है? देखिए मैम, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अपनी सारे रिसोर्सेज यूज किए, इवन इस बार बजट का भी कोई इशू नहीं था। फिर तो जहन्नम में जाना चाहिए ना आप लोगों को। आप जानते हैं कितना बड़ा शो था आज का, इतने टाइम से तैयारी कर रही हूँ मैं इसकी। और ये फ्रेम देखिए, फ्रेम ऐसे होते हैं। स्टूडियो में काम कर करके बाहर काम करना भूल गया आप लोगों को लगता है। खत्म हो रही है, 60 सेकंड्स लेफ्ट, मैडम को जल्दी से तैयार करो। मैम इसके बाद रिहर्सल से करती हूं। चलो ठीक है, आराम से करो, खिंच रहे हो बाल, तुम भी नहीं बन गई हो अब। सारे बाल छोड़ दो, सारे बाल रुक गए, इसको पकड़ो।
सुन लिया तुम? अरे जितना भी कर लो, इन लोगों ने कभी अप्रिशिएट नहीं कर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं और क्या खूबसूरती देखूँ इसमें। आप खुद फ्रेम देख लें। हाँ यार पता है, लेकिन इन लोगों को सेटिस्फाई करना होगा, नहीं तो ये ऊपर शिकायत कर देंगे। आप एक काम करें, सेट वालों को बुलवा के ताजमहल का सेट लगवा लें। फिजूल में सुना दिया उन्होंने, ऊपर बैठा हूँ मैं। नुमान भाई जल्दी से आ जाएं, बस बच्चों को लेकर जल्दी से आ जाएं, जन्नत आप लोगों का इंतजार कर रही है, आ जाएं। माशाल्लाह इतना खूबसूरत घर है, नजर ना लगे। आमीन। माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है जन्नत। माँ की अम्मी ठीक कह रही। अच्छा तुम्हें अच्छा लगा? किसको अच्छा नहीं लगेगा। शुक्रिया बेटा। पता नहीं कुछ कमी लग रही है। कैसी कमी? समझ नहीं आ रही, कुछ खटक रहा है। बस ये तुम्हारी आदत है ना, इसका कोई इलाज नहीं। बिल्कुल सही कह रही अम्मी, तुम ना बहुत परफेक्शनिस्ट हो गई हो। अम्मी गरम गरम रोटी। ओह शुक्रिया। अभी ये ना करने बैठ जाना कि हर बंदे को बैठ के हर चीज दिखाने लगो। अम्मा अब आप नुमान वाली बातें कर रही हैं, मैं अभी लड़के आ रही हूँ उससे। क्यों क्या हुआ? अभी चंद घंटे पहले तो खुशबाश नजर आ रहे थे टीवी पर। है चंद घंटे कह रही हैं, हमारा कुछ पता नहीं चलता। एक सेकंड में हम खुश होते हैं और दूसरे सेकंड में हम फिर से एक दूसरे का सर फाड़ने वाले होते हैं। अब क्या हुआ? अम्मा आप जानती हैं मैं पागल हो गई घर बनाते बनाते, और उसने एक रुपए की कंट्रीब्यूशन भी नहीं की, और अकड़ ऐसे दिखा रहे हैं जैसे जैसे सारी जान उसे नहीं लगाई घर बनाने में। भाभी के सामने कुछ ना कहना। हाउस वार्मिंग का बता दे ताकि मैं डिजाइनर को कपड़े दे दूं। ये ले गरम गरम। तुम्हारे घर की पार्टी में तो बहुत सारे एक्टर्स होंगे। ये सर सब यही है, शिफ्टिंग के बाद हाउस वार्मिंग पार्टी ही करनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा किसको बुलाऊं किसको ना बुलाऊं, लेकिन टीम लगी हुई है गेस्ट लिस्ट बनाने पे, बन जाएगी। अच्छा बेटे तुम भी तो आके बैठो ना, खाओ। जी अम्मी मैं बस आ रही हूँ। और सुनो वो अपने मियाँ के लिए भी रख लेना कुछ रात के खाने के लिए। ठीक है, मैं बस वो आखिरी रोटी लेकर आ रही थी। अच्छा बस ऐसे है तैयब। ठीक है, बिजी है काम में, नजर ही नहीं आता। मुझे भी नजर नहीं आता, गायबाना चल रहा। जब मैंने काम शुरू किया था तो हर इंसान की तरह मेरा भी एक ख्वाब, एक सपना था कि मेरी एक अपनी छत, छोटी हो बड़ी हो लेकिन अपनी। और आज अल्लाह ताला ने मुझे कितना खूबसूरत घर दिया, और इस बात का शुक्रिया अदा करती थकती नहीं हूँ मैं। मैं इस बात का जीता जाता सबूत हूँ कि आपके जो ख्वाब होते हैं, आपकी ख्वाहिशें होती हैं, उन पर मुँह ना मोड़िए। कोशिश कीजिए लेकिन साथ दुआ भी कीजिए, दुआ कीजिए लेकिन साथ कोशिश भी कीजिए, और फिर देखें अल्लाह ताला क्या करते हैं, आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। हर औरत का ख्वाब होता है कि उसका जो घर में किचन हो, जो उसका बावर्ची खाना हो, वो बहुत खूबसूरत बना हो, मेस ना हो, साफ सुथरा हो, ताकि कुकिंग करने में मज़ा आए। जो चीज़ें मैं आपको शो में दिखाती हूँ, जो मज़े मज़े के हमारे शेफ़ आते हैं और इतनी जायकेदार चीज़ें बनाते हैं, वो मैं घर आकर ज़रूर ट्राई करती हूँ। मेरे घर में मेरे शौहर को भी बेकिंग का बहुत शौक़ है, तो इसीलिए मैंने अपना ओवन रखा हुआ है, और हम वीकेंड पे वो सारी मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हम शो में बनाते हैं यहाँ आके बनाते हैं। और सफाई का बहुत ख्याल रखना होता है, इसलिए जो मैंने मटेरियल्स रखे हुए हैं, जो हमारा वर्किंग टॉप है, जो हमारी कैबिनेट्स है, वो सफाई के हिसाब से बहुत इजी होनी चाहिए। तो हमने वही मार्बल टॉप रखा हुआ है, हमने वही फ्रॉस्टेड ग्लास विंडोज रखी हुई हैं, ताकि अगर हम खुद ना सफाई कर पाएँ तो हमारे जो हेल्पर्स हैं उनके लिए आसानी हो। तो ये बहुत एक ख्वाब सच हुआ है मेरा, और बहुत खुश हूँ इस बात से। Thank you.
कौन है बावर्ची खाने में? मैं पानी पी रही हूँ। अरे सो जा, तबस्सुम, आधी रात हो गई। सबकी नींद खराब कर रही। बस जैसा आपने कहा था वो सारे काम हो गए। ठीक है, थैंक यू। उस लड़की से बात हुई मेरी, कह रही थी उसे ट्रांसपोर्ट का इशू है। मैंने कहा वो हम दे देंगे, बस वो आ जाए। बेवकूफ़ है, अगर ट्रांसपोर्ट का मसला था तो उस तक बता देती, मैं फ़ौरन अरेंज कर देती। बता देगी एक दो दिन में। अब भी तो मैं आपको ऐसा गॉसिप बताने वाली हूँ ना, आपका घर देख कर इंडस्ट्री में कितनों को आग लगी है। आयला ने आपके इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया है। अच्छा, आयला ने मेरे इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया? यस। कितना कॉपी करती है मुझे, स्वेयर। आ रही हूँ, आ रही हूँ। आ गई। अरे आ गई आ गई, सबर। अस्सलामुअलैकुम खाला। वालेकुम सलाम, शुक्र है तू आ गया फारूक, वरना मैं खुद तुझे फोन करती। क्यों खाला, खैरियत तो है? कहाँ है खैरियत, तबस्सुम ने नाक में दम कर रखा है, खाना पीना तक छोड़ दिया है। ऐसी कहाँ थी तबस्सुम, इसे हो क्या गया है एक बारी जन्नत से मिलकर? छत है कहाँ पर? छत पर। गुस्सा नहीं गया तुम्हारा? तुम्हारा मेरा रिश्ता ही क्या जो मैं गुस्सा करूं? ऐसा तो मत कहते, बस सारे रिश्ते मेरे तुझी से तो आए। देख लिया मैंने तुम्हें भी, सारे तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं। नौकरानी बननी चल रही थी तो रानी है। रानी तो सुन चंदन चैन, सिगरेट पी रही थी, जहर लगी थी मुझे। उंगलियां देखी थी उनकी जिनमें सिगरेट पकड़ी हुई थी, वो खूबसूरत नाजुक। दस दस मर्दों में बैठी हुई थी वो तबस्सुम। दस क्या, सौ में भी बैठती ना तभी जन्नत जी ही लगती। तो तू ना पागल है, आंखें देखी थी उनकी तुमने? उन आंखों में तेरे लिए कुछ भी नहीं। तुम मुझसे प्यार करता? किसकी कसम खाऊं तेरे लिए खीन आ जाए। तो पर घर वालों से इजाजत लेके दे नौकरी की। देख कुछ नहीं बोल, हाँ के अलावा पकड़ चल। ये मैडम, हमने जो वुड का काम घर में करवाया था ये उससे कुछ बिल बाकी रह गए थे। इसके अलावा ये यूटिलिटी बिल्स हैं, जिसमें ये इलेक्ट्रिसिटी का 3 लाख का है हमारा, और बाकी जो बिल्स हैं
1.5 लाख रुपए तक के हैं। बच्चों की फीस, इसके अलावा वो जो मुलाजिमों ने आपसे 2 लोन मांगे था, मैंने आपसे बात भी की थी उसकी। हाँ वो आप कर दें इनका। बस ठीक है, ओके। इसके अलावा ये नुमान साहब की लॉन्ड्री का बिल, और ये उनकी गाड़ी के पेट्रोल का बिल है। कौन सा पेट्रोल? ये 1 लाख का बिल है। 2 महीने का बिल है मैडम ये, और उन्होंने ही मुझे बिल दिया था, और ये उसी गाड़ी का जो आपने उनको लेके दी थी। लेकिन वो तो गाड़ी इस्तेमाल भी नहीं करते इतनी ज़्यादा। पता नहीं मैडम, मुझे उन्होंने बिल दिए थे बस। ठीक है। इसके अलावा ये क्रेडिट कार्ड के बिल हैं। और ये ग्रोसरी के, मुझे लगता है ये बिल बढ़ते बढ़ते मैं ख़त्म हो जाऊँ। ऐसी बात नहीं, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाजा भी तो है। हाँ नवाजा तो है, लेकिन हर महीने वो इन बिलों की शक्ल में सारा निकल जाता है। अंदर आने की इजाजत नहीं दोगी? दिल में आने की इजाजत दे दी, घर क्या चीज है। तुम आज ऑफिस क्यों नहीं है? सारी बातें यहीं खड़े खड़े करनी है क्या? कम ऑन, कम इनसाइड। थैंक यू। Nice bucket. Thank you so much. Mayor? हाँ, sure, sir. क्या पियोगे, कॉफी बना? नहीं, thank you. Please, petrol. So, कैसे इरादा बना आज अचानक से? मैं सोच रहा था कि आज भी लॉन्ग ड्राइव पे चले। You know what? जब भी हम कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं ना, तो वो सफर मेरी जिंदगी का हसीन तरीन और यादगार सफर बन जाता है। मैं सफर को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहता हूँ। तुम मुझसे शादी करोगे? तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? हाँ। वाकई मुझे प्रपोज कर रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है, मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं?
मुझे यकीन नहीं, यकीन नहीं आ रहा। अली खान आप सबको मोहब्बत का सलाम कहती है और वेलकम करती है चंदन जहां में। आज हमारा शो है वैलेंटाइन डे के बारे में और इसीलिए जो आज हमारा गेस्ट है वो एक ऐसा स्पेशल कपल है जो आप सबके दिलों के बहुत करीब है। उन्होंने मोहब्बत की एक ऐसी मिसाल कायम की है और दुनिया को बताया है कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो कुछ मुश्किल नहीं। तो आइए वेलकम करते हैं अंतर और मुनज़्ज़ा को। अंगूठी वैसे वाकई बहुत अच्छी लग रही तुम्हारे हाथ में, काफी परेशान था कि अच्छी लगे बस। थैंक गॉड। तुम जन्नत को छोड़ रहे हो? उसका मेरा रिश्ता ही क्या है, बेमायनी खोखला। हाँ, हर रिश्ता तो है ना, तभी खत्म हो जाएगा। बहुत चांद तुम तो जन्नत जहां में रहते हो, वो जन्नत कैसे छोड़ पाओगे? शायद इस दुनिया का पहला है वो इंसान हो जो जन्नत से निकलने का रास्ता ढूंढ। मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। थैंक यू उस बाबत का जो तुमने मुझसे किया। तुम अगर ना होती तो पता नहीं क्या होता। अब तो मैं हूं ना, मुझे बताइए कि जब आपकी और मुनज़्ज़ा की शादी हुई थी तो उस वक्त आप शादीशुदा से पहले से जी, और मुनज़्ज़ा बल्कि आप भी, आपकी भी शादी हुई थी लेकिन मेरे ख्याल से कोई ब्रेकअप चल रहा था आपका उस टाइम, है ना? जी ऐसा ही है। तो मुझे बताइए कि वो कौन सा लम्हा था जिसमें आपको एहसास हुआ कि मुनज़्ज़ा ही वो लड़की जिसके साथ आप सारी जिंदगी गुजारना चाहते हैं? इस बात पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हो जाती है इंसान से गलतियां, जल्दी में कह लें, नासमझी में कह लें, लेकिन जब से मैंने मुनज़्ज़ा को देखा मुझे लगा कि मुझे अपना फैसला ठीक कर लेना चाहिए। हो गई शादी। सही है ये भी। फैमिली से प्रेशर तो बहुत आया होगा आपको। जी, मेरी बेटी है, उसकी वजह से थोड़ी सी रिलक्टेंस थी, बाकी तो कोई मसला नहीं। अच्छा, आपकी बेटी भी है? जी, 2 साल की। लेकिन आप तो जानती हैं, मोहब्बत की ताकत इंसान से बहुत कुछ छुड़ा लेती। ये तो है, सही है। आपकी पहले बीवी ने सोशल मीडिया पे एक हंगामा किया था, तूफान खड़ा कर दिया था, आपको इतना जलील किया था उस वक्त, लेकिन आप दोनों की मोहब्बत का सलाम है कि आप आज भी इकट्ठे बैठे हैं, है ना?
जी। वो पहली बीवी तो नहीं है, वो तो डिवोर्स हो गया है, तो आप पहली बीवी तो ना कहें। मैं भी पता नहीं पहली बीवी कहती जा रही हूँ। अच्छा चलिए ऐसे करते हैं कि आज वैलेंटाइंस डे है, तो आज एक हम गेम खेलते हैं और चेक करते हैं कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी है, ठीक है? शुक्र है तूने कुछ खाया तो सही। अब आप लोग इजाजत नहीं देते ना, तो मैंने खाना नहीं खाना था। देख अब इजाजत दी है ना, तो कुछ उल्टा सीधा मत करना। क्या उल्टा सीधा? अब मैं तुझे क्या समझाऊं, पर तू खुद समझदार। मीडिया वालों के घर जाकर तू काम करेगी, पता नहीं वहां कौन कौन आएगा, पर तू खुद पर रंग मत चढ़ाना। लो मैं क्यों रंग चढ़ाऊंगी अम्मी, मैं वहां जन्नत जी के लिए जा रही हूँ। मैंने फारूक से कह दिया कि तुझे ले जाए वहां कल। कल क्यों, आज क्यों नहीं? मैंने तो जन्नत जी को कह दिया था कि मैं आज ही आ रही हूँ। आज ही जाऊंगी मैं कैसे पता मेरा मुंह बना हो? तुम कोई बात नहीं कर रहे? सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। वैसे फारूक तुम बड़े अच्छे हो, तुमने मुझे इजाजत लेकर दे दी, वरना मैं कुछ भी कर लेती ना, अब उन्हें इजाजत नहीं देनी। तुमने कहा था तो इनकार कैसे करता? मेरी जिंदगी का ख्वाब पूरा होने जा रहा है फारूक, सबसे बड़ा ख्वाब। जन्नत अली खान से मिलना तुम्हारा सबसे बड़ा ख्वाब, और उसके घर में काम करना तुम्हारा सबसे बड़ा ख्वाब बन। और पता है मेरा इंतजार कर रही होंगी, उन्होंने बताया था मुझे फोन पे। नौकरों का कौन इंतजार करता है तबस्सुम? कितना कड़वा बोलने लग गया अचानक से, नौकर नहीं हूँ मैं। तो क्या हो तुम? गुलाम, बांदी, कनीज, कुछ भी कह दो, जन्नत अली खान के सामने तबस्सुम कुछ भी नहीं है। सीधा देख, खुद भी मरेगा मुझे भी मराएगा। मैं बात ही ऐसी की है, गुलाम बांदी कनीज, जो मुंह में तू बोली जा रही हो सच है। यही है जी, मैं तबस्सुम मुगल, मुझे जन्नत जी ने बुलाया है। जी मैडम ने कहा था कि आप लोग आ रहे हैं। जी जी मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। ठीक है। घर कितना प्यारा है ना, जन्नत अली का ताजमहल। मुझे ताजमहल अच्छा नहीं लगता,
क्यों? मकबरे किसको अच्छे लगते? मोहब्बत और महबूब, चाहे ताज वाली क्यों ना। आ जाइए अंदर, आपको मैडम बुला रही है। मैं चाहती हूँ जो कलर्स है ना ड्रेस के, वो थोड़े सटल लुकिंग, स्टूडियो में इतनी ब्राइट लाइट्स होती है वैसे भी। तो उसके साथ हम जो एक्सेसरी यूज कर सकते हैं, एक सेकंड, तो समथिंग ऐसा कुछ, और ज्वेलरी भी जो है ना वो ऐसे सिंपल सी हो, ठीक है? ओके उफ, अच्छा अब मैं निकलती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। ठीक है। ले, आपका मसला तो हल हो गया। ओह हाँ, थैंक गॉड। सलाम जी। सलाम जी। वालेकुम सलाम। आओ आओ, तुम लोग 15 मिनट पहले ही आ गए। हाँ जी, अब वो भी इसलिए जी कि रास्ते में ट्रैफिक थी, वरना 1 घंटा पहले ही आ जाते। आपको तो पता ही था बसों का। हाँ नजर आ रहा है। आ जाओ बैठो, तुम लोग कुछ लोगे चाय कॉफी कुछ? नहीं जी। नहीं जी, माशाल्लाह आपका घर तो उससे भी ज़्यादा प्यारा है। माफ़ कर दी, नहीं टीवी पे देखा तो उससे भी ज़्यादा प्यारा है। मुझे भी लगा ये फ्रेमिंग डीओपी ने कुछ सही नहीं की, कुछ ऑफ था ना। वाकई कोई जन्नत जैसा है। अच्छा, ऐसा तो पहले कभी किसी ने नहीं कहा मुझे। तबस्सुम की दिल की बात है जी, कोई और कैसे कहेगा। ये आज वैलेंटाइन है ना, तुम्हें याद था? थैंक यू। मुझे याद था जी, मैं तबस्सुम के लिए लाया था, उसने आपको दे दिया। ये इसने तुम्हारे लिए लिया, फिर तो ये बहुत कीमती होगा। नहीं जी, रास्ते में ये रुका ही नहीं, वरना मैं आपके लिए और ले आती ज़्यादा फूल। अगर तुम्हारे मंगेतर ने तुम्हारे लिए दिए और तुम मुझे दे रही हो तो उसको बुरा लगेगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फारूक को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। क्यों फारूक? हाँ जी, अब मैंने तबस्सुम को दिया था, उसकी चीज़ हो गया, आप जिसको मर्जी दे दे, मुझे क्यों बुरा लगेगा जी। चलो मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ और बच्चों से मिलवाती हूँ, तुम्हारी जितनी जिम्मेदारी है वो आज ही संभाल लो, ठीक है? जी। तुम जा सकते हो शाम को, उसको पिक कर लेना। अच्छा ठीक है, वैसे मैं बाहर बैठ के इंतजार कर सकता था। लेकिन तो रोज सुबह आएगी और शाम को जाया करेगी, तुम इंतजार करते रहोगे? हाँ जी। तुम कोई और काम नहीं करते? करता है जी, आजकल नौकरी नहीं है तो बस वही ढूंढ रहा है। अच्छा तो मुझे अपनी सीवी दे दो, मैं ऑफिस में चेक करूंगी, कुछ तो कुछ निकल ही आएगा। तो मैं जाऊं? हाँ तुम जाओ, मैं तुम्हें फोन कर लूंगी तो लेने आ जाना। ठीक है। जाओ। ठीक। ये लो, ये रखो। क्यों जी? सच्चा प्यार है, रोज रोज नहीं मिलता। रखो इसको। आजा, बच्चे से मिलवाती हूँ तुम्हें। Go fight! ये है मेरा बेटा आलियान। आलियान, ये तुम्हारी नई केयरटेकर है, से हाय। 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 और वो है मेरी बेटी आयमा। अरे वाह, तुमने तो हर चीज रखती हुई है मेरे बारे में। जी। अब इसके सोने का वक्त है, थोड़ी जिद्दी है लेकिन तुम्हारे साथ जल्दी अटैच हो जाएगी। जी जिद्दी है तो क्या हुआ,
प्यारी भी तो है आपकी जैसी, सब यही कहते हैं। सबसे ज्यादा मैस जो है ना वो ये लड़का करता है आलियान, तुम 10 बार संभालोगे ये फिर फैला देगा। मैं 11 बार संभालूंगी। अगर तुम्हें बाकी इतनी हिम्मत है तो बिल्कुल सही चॉइस है तुम मेरी। क्या कहा तुमने? Nothing. Idiot किसको कहा? Do you not have any manners? अरे छोड़ दें, बच्चा है जी, मुझे बुरा नहीं लगा। आ जाओ। और ये है मेरा किचन, अंदर एक लिस्ट रखी हुई है जिसमें सब लिखा है, मैं किस वक्त क्या खाती हूँ, किस वक्त जूस पीती हूँ, किस वक्त सैलड खाती हूँ, किस तरह का जूस पीती हूँ, कैसा सैलड होना चाहिए। वैसे सबका ख्याल खान सामा रखता है लेकिन मैं खुद कर लूंगी। मुझे पता है आप क्या खाती हैं। सफाई के मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसका ख्याल बहुत रखना होगा तुम्हें। अनवर कप्स उठा लो। चन्ना जी आपका घर बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। और ये है तुम्हारा कमरा, जब भी आराम वगैरह करना हो तो यहाँ आ जाना। मेरा कमरा? हाँ, वैसे तो जरूरत की हर चीज मौजूद है यहाँ पे, लेकिन कुछ और चाहिए हो तो बता देना। चलो आ जाओ। ये आपका कमरा है? हाँ, तुमने टीवी में देखा होगा ना। अब इस कमरे में पड़ी हर चीज की जिम्मेदारी तुम्हारी। चन्ना जी हैं? वो कमरा जिसमें आपके कपड़े और जूते हैं वो नहीं है यहाँ पे? वो नीचे, अब दिखाती हूँ। दिन में मैं कई बार चेंज करती हूँ, सेट पे लोग होते हैं, स्टाइलिस्ट वगैरह जो चीजें संभाल लेते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि घर में तुम मुझे ये जिम्मेदारी उठाओ। मेरे पास कौन से कपड़े हैं, कौन से जूते, कौन से बैग, कौन सी ज्वेलरी है, ये तुम मुझे याद दिला। जी ठीक है। तो बस तुम जी, एक खत तुमने मुझे चंदा के हाथ भिजवाया था, तुमने पहले भी खत भेजे हैं ना मुझे?